अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। अब मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो, इसके लिए दो चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए, और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे, अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा, इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। 33% तो बढ़ी हुई सीटों का भी होगा, आपको उसमें भी स्थान मिलेगा। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी, ये बात पक्की। लेकिन अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, यह भी तय है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं, आप अपनी बात कहिएगा, मैं इसलिए, इफ दिस इज द वे एंड इफ दिस इज द ओनली वे एंड इफ दिस इज द शॉर्टेस्ट वे, दिस इज द वे जिस रास्ते से हमको जाने की आवश्यकता। हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन वांट्स टू इंटरवीन फॉर अ मिनट, प्लीज सर खड़गे जी, प्लीज। क्या बोलना इसका जवाब? इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं। इसका मकसद क्या है कि बिल ऐसा ही चले? नहीं नहीं, आप ही ने कहा 29 के बाद ये सब 29 को नहीं। मैं सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब, पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब। मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इल्लीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। एक मैं यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड प्लीज प्लीज सभापति जी, ऑनरेबल मेंबर्स, सभापति जी, वन सेकंड सर, वी आर द अपर हाउस, वी आर द हाउस ऑफ एल्डर्स, इफ देयर इज अ रिफ्लेक्शन दैट देयर इज अ लीगल वर्किंग मैकेनिज्म, अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, देन रादर देन प्ले द अदर वे अराउंड, वी हैव टू लुक इन टू द रियल लीगलिटी ऑफ इट।